बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज ना मैंने थोड़ा सा सामान मंगवाना था बाज़ार से, ये रियाज फ्रूट लेके आए और हानिया लोगों के लिए जामे शीरी नहीं था, वो ना जामे शीरी ज़रूर डाल के दूध नहीं पीती है, उसके बगैर वो दूध नहीं पीती। और ये सेब आए थे और बेसन नहीं था, चने और ये मेरे ख्याल से इमली है, मेरे ख्याल से इमली है और वो ऑयल की और घी की थाली है, आलू है और जी एप्पल थे और ये जी टमाटर, हरी मिर्च, ये सब कुछ मैंने ना फ्रिज के डब्बे में धो के सारा कुछ मैंने फ्रूट वगैरह सारे कुछ रखना है इसमें। अभी मैंने ये आलू थे मैंने धो के रखे हैं, अब मैं पहले इसमें सबसे पहले इसके अंदर मैं एप्पल रख लूँगी ताकि जो भी खाए आराम से वैसे ही उठा के। इसके बाद मैंने ये इसके अंदर अभी भाई मिठू आए थे और कह रहे थे कि हमारे एप्पल जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के तो एप्पल बस ऐसे ही हैं। पता मैं 80 रुपए किलो लेके आया हूँ। भाई मिठू अमीर होंगे, हम तो इतने अमीर नहीं हैं, सादे से लोग हैं और खाने वाली चीज़ है, अल्लाह ताला की नेमत है, जो भी आ जाए शुक्र अल्लाह का, घर में उसकी ज़ात का शुक्र है कि हलाल लुकमा दे, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। ऐसे ही मैंने टमाटर, हरी मिर्च वो सब कुछ धो के इसके अंदर रख लेना है। मैंने फ्रिज की डिब्बे को मैं लेके आई थी, पहले साफ़ किया, धोया मैंने, इससे गंदा हुआ पड़ा था। एक तरफ मैं ना ये हानिया लोगों की चिप्स के लिए आलू मंगवाए थे, वो मैं इसके अंदर रख रही हूँ। आलू भी बाहर रखें तो ख़राब हो जाते हैं, मौसम भी इस तरह से कहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आलू भी ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, ये फिर बाद में इसी तरह से यहाँ से आलू ने ख़राब होना है, फ्रिज में रखूँगी, चलो 2-4 दिन सही रह जाएंगे। हमारा दरअसल जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें शोर भी बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। ये जी मैंने ये सारी चीज़ें जोड़ ली, कोशिश करूँगी मैं इसके ऊपर ये वाली टोकरी रख लूँ रेड वाली, और रख के इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें अकेली डालनी है धो के, मैं वो भी आपको धो के रख के फिर दिखाती हूँ बाद में। अभी मैं धो लूँ, हरी मिर्चों को मैंने धोना नहीं है, उनको मैंने ऐसे ही साफ़ करके ऐसे ही रख लेना, क्योंकि हरी मिर्च धोएं तो फिर वो ज़्यादा गल जाती हैं, ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं होती, जब इस्तेमाल करेंगे तब इसे धो लेंगे। क्या बाबा को कहना? ऐसे चलाना। अच्छा कह दूँ। ये जी मैंने हरी मिर्चें भी धो ली हैं, मैंने कहा चलो धो के दिखाती हूँ साफ़ नहीं कर ली। ये मैंने टमाटर भी धो लिए हैं, अब मैं टमाटर को तो इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी। ठीक है, तो हरी मिर्च की आपको पता थोड़ी सी ना स्मेल सी आने लग जाती है, जिसे कहते हैं खुशबू, खाने वाली चीज़ से स्मेल तो नहीं कह सकते, खुशबू आने लग जाती है, जिसकी वजह से मैं ना इसको वैसे ही इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर रही हूँ। और मैंने ये जो ग्रेप्स धो लिए थे, धो के मैंने सुखा लिया था, थोड़ा सा खुश कर लिया था, और मैंने इसके ऊपर बॉक्स को बंद करके इसको मैंने फ्रिज में रख लिया। और ये हानिया लोगों का जामे शीरी है, ये मैं कपड़ में रखने लगी ऊपर, साथ साथ मैं इन चीज़ें उठा लूँ और आपको भी दिखाती हूँ। और ये मैंने जो है क्या नाम है हमारा, ये खासे मोबाइल खोलना और ये रखना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए जी मैं इसके अंदर ये बेसन रख रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई चीज़ लग ना जाए, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ही इमली रख देती हूँ, और मैं घी वाली एक ये दोनों चीज़ें उठा मैंने अभी फ्रूट टॉपी तैयार। और ये जी नैनो फिर आ गई है किचन में। नैनो आप क्या लेने आए हो? दुआ को। नैनो जग तो दिखाओ, आज कौन सी चीज़ें लेके आई हो? खिलौने? कौन से खिलौने लेके आई? ये जी नैनो जी आज लेके आई है, उसकी फूफो ने लेके दिया और हर किसी को जूस बना के जी पिला रही है। और जी वो देखें जी लड्डू भी आ गया। लड्डू आप क्या करने आए हो? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
लड्डू को बड़ी खुशी हुई है। मम्मा ने आगे क्यों बुलाया? अब मैंने ऊपर बैठना, ऊपर बैठना, ऊपर बैठ के क्या करना? खिलौने लेने, खिलौने लेने हैं। हाँ। नहीं वो जी हानिया के खिलौने हैं, दुआ भी मांग रही थी, दुआ को भी ला के दूंगी, दुआ को भी ला के दूंगी ऐसे ही खिलौने के साथ ही। हम आपको ज़्यादा करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर बताइएगा। ये देखें ये मांग रहे हैं, ये लेने हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।